श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरवे नम हमारी सहज प्रवृत्ति जिसमें होती है उसमें रहने से जीवन बड़ा सरल चलता है लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आपने देखा होगा हम लोगों का चक्कर यह है कि गंगा गए तो गंगा दास बन जाते जमुना गए तो जमुना दास बन जाते घर आने के बाद अपने देवदास ही। और इसके कारण कहीं टिकते नहीं देखो अपने आप में स्पष्ट समझना चाहिए कि अध्यात्म का तात्पर्य हम अंतर्मुखी हो रहे कि नहीं हो रहे और दूसरी बात जिन जिस सत्संग से हमारा मन सहज ही अपने आप में शांत तो होने लगता है वह सत्संग हमारे लिए योग्य है जैसे कई ऐसे थे कि जिनको तबला पिटी का अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है वो वहीं जाए डीजे डिवोशन जयपुर और जिनका मन आत्मचिंतन में तत्व के ज्ञान में विश्लेषण में लगता है वो वहां जाए और इसमें ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है देखो हरेक को स्टेजेस में जाना पड़ता है जैसे हमारे चार लड़के हैं उदाहरण है, है। तो फिर हो जाएगी इंक्वायरी भूकंप आ जाएगा फिर तो हमारे चार लड़के हैं और हमने इंट्रोड्यूस किया ये जो बड़ा लड़का है ये डॉक्टरेट कर रहा है ये दूसरा जो है ये ग्रेजुएशन में है जो है वो आठवीं क्लास में चौथा के जी वन के जी टू में है ऐसा जब हमने कहा तो क्या इसके पीछे ये भाव है कि हमने छोटे बच्चे को तिरस्कृत किया है उसको घटिया कहा है उसको बुरा कहा है नहीं इसी प्रकार से अध्यात्म में हर एक व्यक्ति को स्टेज बाय स्टेज जाना पड़ता है तो जब तक के हम इस जगत को सत्य मानेंगे तब तक के हमको धर्म का पालन करना है इसीलिए कहते सत्यम धर्मम चर सब कुछ करना है और जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं तब तक के सामने रामदेव बाबा की फोटो रखो और बिस्किट खाओ देखो अच्छी बात है कोई खराब नहीं उसमें आप जिंदगी पर यही करते रहेंगे क्या कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो के जी वन के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि ये मिस मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटे बच्चे होते हैं ना मैं नहीं जाऊंगा अगली क्लास में मुझे इसी क्लास में रहना है देखो तो यहां से हम ग्रेजुएट हो गए फिर हम आ जाते हैं अपने जीवन में कोई एक उच्च आदर्श हो जब व्यक्ति जीवन में उच्च आदर्श को ढूंढ लेता है तब अपने आप से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है देखो जो वो आदर्श है कोई ऐसी वस्तु कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा सिद्धांत जिसके प्रति हम समर्पित हो जाए ये समर्पण की भावना को जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों में भक्ति का मार्ग बताया है क्योंकि पहले दो मार्गों में धर्म और योग के मार्ग में मेरा मय बहुत बढ़ जाता है मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मैंने ये किया मैंने वो किया और ये जो मैं का जहर है इससे बचने के लिए फिर दूसरी स्टेज आती है अपने इस मय का समर्पण करना है तो हम समर्पण किसके प्रति करते हैं जिसके प्रति हमारे मन में आदर हो देखो मनुष्य तो सभी होते हैं लेकिन सभी के सामने समर्पण थोड़ी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कौन है उसके प्रति समर्पण करते हैं तो कोई शूद्र बुद्धि का व्यक्ति है तो वो अपने से उम्र में बड़ा है इसीलिए समर्पण करो जो वैश्य बुद्धि का व्यक्ति है अपने से अमीर ज्यादा है इसीलिए समर्पण करो क्षत्रिय बुद्धि का व्यक्ति है अपने से ज्यादा काबिल है दुनिया को बेवकूफ बनाने में इसीलिए उसके प्रति समर्पित हो और जो ज्ञान वृद्ध है उसके प्रति समर्पित हो क्योंकि उनको हमसे बहुत ज्यादा चीजें मालूम है तो एक कोई ना कोई बहाना ढूंढो कि कैसा कोई ना कोई व्यक्ति हमसे किसी ना किसी कारण हमसे श्रेष्ठ है देखो जैसा हम बहाना ढूंढते हैं ना कौन कैसा खराब है बोलने के लिए इसी प्रकार से बहाना ढूंढे कि कोई ना कोई व्यक्ति हमसे किसी न किसी प्रकार से श्रेष्ठ होगा ही उसके द्वारा हमारे हृदय में नित्य निरंतर आदर का भाव बना रहेगा जिसके हृदय में आदर का भाव बना रहता है उसका मन शांत प्रसन्न रहता है शांत प्रसन्न मन में ही तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है अंतकरण की शुद्धि किसको कहते हैं एक जगह भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं शुद्ध अंतकरण किसको कहते हैं कहते हैं शुद्ध अंतकरण वो है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई अशुद्ध अंतकरण होगा तो दुनिया के बारे में ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी में पूरा जीवन चला जाता है इसीलिए पहले धर्म योग भक्ति फिर ये सब का सब जो है इसको कहते हैं कर्वाणी चित्त शुद्ध अर्थम उपासनम और फिर मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत इस सिद्धांत के अनुसार चलने के लिए भगवान कहते हैं कि देखो ग्यारहवीं अध्याय में जो मैंने बताया है ना तो आपके लिए जो योग्य है वो ले लो ना सबका सब क्यों पकड़ बैठे हो हम हाँ, हिंदुस्तानी लोग जाते हैं ना खाने के लिए अब ये शादियों में देखो आप इतने सारे व्यंजन बना के रखेंगे 25 प्रकार की सब्जियां होगी 40 प्रकार की दालें होगी और 100 प्रकार की मिठाइयां होगी और हम जाते हैं अपनी प्लेट लेके नहीं जाते लेके जाते इतना ज्यादा चॉइस इसलिए दिया है कि जो आपको सूट हो वो खाओ नैनी नहीं, नहीं, उन्होंने इतना प्यार से बनाया खाते रहो खाते रहो अरे राम इसी प्रकार से जो कितनी बातें बताई है गीता में तो ग्यारहवीं अध्याय में भगवान ने चार प्रकार से तत्व बताया तो उसमें से अब आपको जिसमें सहज प्रवृत्ति है वो करे और कैसे करे कह रहे कि मई आवेश मनो ये माँ नित्य युक्त आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है जब एक जवान मां पहला बच्चा डिलीवर करती है तो वो पार्ट टाइम माँ थोड़ी होती है वो फुल टाइम है सुबह से शाम तक रात तक चौबीस घंटे उसके पीछे लगे रहती है तो वो मां होती है और जो दाई होती है बच्चों की देखभाल करने वाली वो भी तो देखभाल करती है यही फरक है यदि हमारी उपासना नित्य निरंतर बनी रहे अब कैसे बने रहे नित्य उपासना हमारे जीवन के हर एक अनुभूति में हमको प्रभु का अनुग्रह दिखना चाहिए हर एक अनुभूति में नित्य युक्त उपासते और इसके लिए आंतरिक शक्ति क्या है पराया श्रद्धया उपेता हा। जो श्रद्धा से परिपूर्ण हो करके अपने आप को इसमें लगा देते हैं वही असली आध्यात्मिक साधना कर रहे यहां तक हमने कल देखा था अब अगली बात कहते हैं जो व्यक्ति इस निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करते हैं और उसके लिए अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर पक्की तरह से अच्छी तरह से नियंत्रण कर ले या, तो उसका तात्पर्य क्या हो गया सर्वत्र सम देखो सर्वत्र समुदया का अर्थ हो गया हम भेद देखेंगे भेद का अनुभव करेंगे लेकिन भेद भाव नहीं करेंगे देखो अपनी लड़की और अपनी बहू, कितना फर्क पड़ता है अपनी लड़की दूध की दुली है और जो बहू है वो नाती नहीं ये जो है ना भेद के पश्चात यह जो भेद भावना का निर्माण हो जाता है वही से संसार तैयार हो गया भेद को देखने में कोई नुकसान नहीं है अपने जीवन की अनुभूति से सीखो अपने ही दांत जब अपने ही जीवा को काट लेते हैं तो दोनों में एक ही तो है भले अलग अलग हो इसीलिए जीवा दांतों को उखाड़ने के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं ले जाती और उसी प्रकार से जब ये युवा दांतों के बीच का अन्न का कर निकाल देती है तो दांत ये नहीं कहते थैंक यू डालिंग यू आर ऑलवेज हेल्पफुल टू मी नो जहां ना कर्स है ना कोई आशीर्वाद है क्योंकि सब एक ही है इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य क्या हो गया पूरी गीता में यही एक सिद्धांत बताया है इस एक सिद्धांत को पकड़ लो गीता पकड़ में आ गई और सिद्धांत है जीवन की समस्या है ममता देखो जहां ममता आ गई वहां एनर्जी बैन हो गई जहां एनर्जी बैन हो गई वहां संसार शुरू हो गया बैन एनर्जी को तो बैनर्जी कहते हैं ना अब ये ममता से छूटने के लिए क्या करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है समत्वम योग उच्चते तो कोई भी आप मार्ग का अनुसरण करे सबका तात्पर्य इसी में है कर्म का अनुसरण करे सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्चते। योग का करे तो वहां कहते हैं आत्मौपमे नरत्र समम पश्यती अर्जुन वहां भी वही बात है भक्ति की बात करें यहां भी यही कहते हैं कि सर्वत्र समबुद्ध सबके प्रति समान बुद्धि हो अपना पराय का चक्कर नहीं और ज्ञान की बात तो क्या एक ही है सब में तत्व प्रकट हो रहा है तो इस प्रकार से ते प्राप्तवंती मामेव ऐसा जिन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना करी है वो भी ध्यान से सुनना वो भी जब भगवान कहते हैं मां में वह प्राप्तवंती माने मुझे प्राप्त होते और भगवान ने अपने आप को क्या बताया मैं सब में हूं तो इसका तात्पर्य यह हो गया जिन्होंने इस निर्गुण निराकार की उपासना करी है वो सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं यही इसका तात्पर्य है निर्गुण निराकार की उपासना का तात्पर्य जो सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं उनके प्रति द्वेष नहीं हो सकता देखो संतो जो आकार में दुराग्रह करके बैठे हैं वो दोनों तरह से परेशान होते जो निर्गुण निराकार वाले हैं वो आकार का द्वेष करेंगे और जो सगुण साकार वाले हैं वो निराकार का द्वेष करेंगे और दोनों एक ही जगह फंसे इसीलिए कहते कि ते प्राप्तुमंथी मामेव अब वो मुझे प्राप्त कैसे होते हैं सर्वभूत हितेरता उनके जीवन में सबके प्रति सहज प्रेम प्रकट हो जाता है देखो अब सबके प्रति प्रेम का प्रकटीकरण इसको ठीक से समझ ले श्रीमद् भागवत महापुराण में ये विषय बहुत अच्छा दिया है वहां कहते हैं प्रेम की अभिव्यक्ति चार प्रकार से होती है या होनी चाहिए पहली अभिव्यक्ति है जो अपने से बड़े है किसी भी बहाने से उनके प्रति आदर का भाव हृदय में आ गया तो आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया प्रेम का प्रकट होना माने प्रेम करना नहीं प्रेम करोगे तो गिरोगे नीचे और गिरने को कहते हैं शादी देखो जो जीवन की दिशा बदल देती है उसको शादी कहते हैं देखो दिशा शादी जो उल्टी चलते हैं वो शादी में फंस गए वैसे दिशा तो सामने की है नहीं उल्टे हो गए तो पहली स्थिति यह है बड़ों के प्रति आदर सत्कार की भावना रखे तो आपका मन शांत है हृदय में प्रेम प्रकट हो गया दूसरी बात जो अपने ही उम्र के होते हैं उनके प्रति दोस्ती का भाव हो ठीक मैत्र करुण वजह यहां भी बताएंगे तब हमारे मन में प्रेम प्रकट हो गया और दोस्त कौन होता है जो अपने दोस्त के गलतियों में भी अच्छी चीज देखता है जो दोष दोष दर्शन नहीं करेगा दोष में भी अच्छाई देखेगा वो दोस्त होता है ये तीसरी बात जो हमसे छोटे होते हैं उनके प्रति क्षमा का भाव अब छोटे लोग गड़बड़ नहीं करेंगे तो बुढ़ाऊ करेंगे देखो महाराज छोटे के प्रति तो क्षमा का भाव होना ही चाहिए अब देखो एक क्षमा से क्या होता है हमारे मन में जो वस्तु फंसी है उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा गहरी वस्तु फंस जाती है द्वेष के कारण तो ये द्वेष के काटे को निकालने के लिए एक ही उपाय है उसको क्षमा का भाव जागृत हो जाए क्षमा कर दिया माने अपने हृदय से द्वेष को निकाल दिया देखो तो तीन बातें हो गई बड़े अपने उम्र वाले और छोटे और चौथे कौन है चौथे है इस दुनिया के आ, बुरे तत्व जो सबको परेशान करने में लगे हुए कष्ट देते हैं अनेक प्रकार के उनके प्रति क्या करे ध्यान से सुनना उनके प्रति उदासीनता की भावना रिमेन इनडिफरेंट जितने हम उदासीन होना सीखेंगे ना उतनी ये दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी और यह दुनिया प्रवेश करती है जब हम दुनिया के बारे में हजार प्रश्न पूछते हैं तब ये दुनिया के बारे में कोई भी प्रश्न कोई आवश्यक नहीं है ये दुनिया ऐसी ही है ऐसी ही रहेगी इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता इस प्रकार से सर्वभूत हितेरता सबके प्रति हृदय में प्रेम होना माने चार प्रकार के भावों से अपने जीवन को चलाना देखो कितनी सिंपल बात हो गई तो आप कर रहे हैं निर्गुण निराकार की उपासना और प्राप्त क्या हो गए सभी सगुण साकार में उसी निर्गुण निराकार का दर्शन कर रहे हैं ये जब होता है ना तब हमने भगवद्गीता का अध्ययन किया देखो नहीं तो पुष्टि मार्गों के पास चले जाओ कष्टी मार्ग की तुलना करेंगे कष्टी के पास चले जाओ पुष्टि की तुलना करेंगे देखो महाराज हमको अपने बुद्धि से ये भेदभाव को हमेशा निकाल देना है नहीं तो आदमी इसी में फंस जाता है अच्छा महाराज अब हमको एक बात भगवान स्पष्ट बताते हैं क्लेशोधिक अव्यक्ता सकत चेतसा ही गतिर दुख कम ये जो हमने बात बताई न निर्गुण निराकार की कहते हैं देहवद भी ही। जिन्होंने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है उनके लिए निर्गुण निराकार की उपासना करना बड़ा कठिन होता है देखो हम जीव है मान लिया जीव का कौन सा आकार है कोई आकार नहीं तो जब हम निराकार जीव ये साकार देह को धारण कर सकते हैं तो निराकार परमात्मा साकार दुनिया को धारण नहीं कर सकता क्या लेकिन हम अपने को कहेंगे मैं तो निराकार हूं देखो महाराज ये केवल कहने की बात है इस जगत में जब तक के हम अपने को सगुण साकार स्वीकार करते हैं तब तक के ईश्वर की उपासना निर्गुण निराकार के रूप में करना माने अपने आप को धोखा देकर के अपने विचार अन्य पर लादना होता है देखो इसलिए क्लेशो अधिक रेशम अव्यक्ता शक्त चेत देहा जिन्होंने अपने आप को देह मान के लिया है उनके लिए उनका मन इस जो अव्यक्त है निर्गुण निराकार है उसमें लगाना बहुत ही कष्ट हो जाता है इसीलिए आप देखेंगे बचपन में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे हम आधार लेते हैं सपोर्ट लेते हैं बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो पहले उनको उंगलियों से पढ़ाते एक फिर एक और कहो एक अब कितने हो गए बच्चों को पता है नहीं फिर बता दें एक दो फिर एक उंगली और करो एक उंगली और करी फिर आप कितने हो गए बच्चों को पता नहीं फिर बता दे एक दो तीन अब बड़ा होने के बाद जरूरत नहीं इसकी लेकिन जब बच्चे को बताते हैं तो क्या वो व्यर्थ हो गया नहीं व्यर्थ नहीं है वह आवश्यक है तो जब तक के हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं तब तक के परमात्मा की उपासना निर्गुण निराकार से करना माने अपने आप को परेशान करना है अब देखो कैसी परेशानी होती है ये जो योगा करने वाले हैं मेडिटेशन करने वाले हैं इनको देखो एक एक चीज को पकड़ लेंगे हम ठीक से पहले निर्गुण निराकार वाले कहते हैं भगवान को कोई आकार नहीं अब आकार की परिभाषा देखो आकार माने क्या आकार माने वस्तु और वस्तु का निर्णय होता है दो पैरामीटर से देश और काल देश और काल ये दोनों मिलाकर के वस्तु का आकार निर्माण होता है डायमेंशन इतना है आकार हो गया इस समय उपलब्ध है आकार हो गया निराकार क्या है हमेशा उपलब्ध है और हर जगह उपलब्ध है लेकिन हम क्या करेंगे एक दिशा में एक समय में उधर झुक करके ही प्रणाम करेंगे तो ही वो प्रणाम स्वीकृत होगा तो हमने उसी निर्गुण निराकार को आकार के रूप में धारण कर लिया देखो इसका एक ही कारण है जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं निर्गुण निराकार की उपासना अपने आप को धोखा देना है पहली बात अब दूसरी बात जब तक हम अपने आप को देह में फंसे मानते हैं तब तक के योगा करेंगे मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में क्या होगे? फिर मुझे अमुख दिखा लाइट दिखा फिर लाइट चला गया फिर बासुरी आई बांसुरी चली गई फिर तबला आया फिर चला गया मृदंगा आया चला गया शंख ध्वनि आया चला गया ये सब आकार ही तो है देखो जब तक के हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, तब तक के ये सब चीजों को बड़ा महत्व देंगे ध्यान करना माने बस अब बैठ करके उस शब्द को सुनो या आंखों के सामने प्रकाश आना चाहिए ये सब महाराज मन के ही खेल है देखो तीसरी बात है वो कि देखो हम जब दर्शन भगवान का स्मरण करते हैं, तो साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हो गए महाराज ये सब मन का खेल है सिनेमा के एक्ट्रेस देखने के जगह में भगवान देखना अच्छा है लेकिन वही सब कुछ नहीं है इसके बारे में मैं आपको एक बात बताते एक बहुत बड़े संत हो गए लखनऊ में आप लोगों ने जाना भी होगा पापा जी कहते थे उनके अब वो नहीं रहे तो वो जो 1916 में पैदा हुए थे तो उन्होंने बचपन में ही जब कोई दस बारह साल के थे उनको ऐसा दिव्य अनुभव आया था कि उस अनुभव को फिर से रिपीट करने के लिए बड़े परेशान रहते थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आधार करके खूब उपासना करी इतनी करी कि उनको जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वो भगवान कृष्ण से बात करते थे और वो चलता रहा सिलसिला फिर इंडिया पाकिस्तान हो गया फिर ये इंडिया में आ गए और आने के पश्चात फिर एक बार वो चले गए भगवान रमण महर्षि के पास और रमण महर्षि को नमस्कार करके वहां बैठे रहे और वो किसी से बात नहीं करते थे आप आओ चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ये तीन दिन वहां रहे रहने के बाद कहते हैं मुझे वहां की जो शांति मिली वैसी शांति मुझे उस समय मिली थी पहली बार जब मैं छोटा था हम लोगों को एक ही शांति मालूम है जो अशांति का विरोधी है वही शांति मालूम है आप देखेंगे कितने आश्रमों में चले जाओ वहां बोर्ड लिखा होता है शांत शांत रहिए बोलिए मत मेडिटेशन इन प्रोग्रेस दे आर ऑलरेडी सफरिंग साइलेंटली डोंट डिस्टर्ब देम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो महाराज तो उनको बताया गया कि देखो आपके अनुभूति में कोई भी अनुभव जो प्रारंभ होता है थोड़े समय तक रहता है फिर चले जाता है ये मन का खेल है जो अनुभव कभी प्रारंभ नहीं हुआ जिसमें कोई विकार नहीं आते और जिसका कभी अंत नहीं होता और इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता यह नित्य भावात्मक अविकारी अनादि अनंत अनुभूति यही परमात्मा है अब मैं हूं ये किससे जानता हूँ आंखों से देख करके कि कानों से सुन करके कि रसना से चक करके कि हाथ से पकड़ करके कि मन से फील करके कि बुद्धि से समझ करके हम कैसे जानते हैं कि हम है जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं परमात्मा यही बात उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् तो यह जो तत्व है कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुख हम देहवत भीपे जब तक हमने अपने आप को देह मान लिया है और इस अव्यक्त की उपासना करेंगे तो कल्पना में भटक जाएंगे कल्पना ही करते रहेंगे एक उदाहरण दे आपको एक हमारे मित्र थे शर्मा जी अब नहीं रहे बहुत पुरानी बात है चालीस साल पचास साल पुरानी बात है हम वहां अपना विवेक चुड़ामी पर चिंतन करते थे और वो आर्य समाज के वहां के सेक्रेटरी थे हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र और हम वहां जाते थे उनके हवन में बैठ करके और फिर विवेक चुड़ामी पर चिंतन होता था और वो हमेशा कहते कि आप ये वेदांत का चक्कर छोड़ो आप हवन करो हमने कहा तुम हवन का चक्कर छोड़ो वेदांत करो दोनों की बड़ी पक्की दोस्ती थी हमने कहा हमको यदि अग्निहोत्र ही करना है तो हम आ, आपके दिशा अग्निहोत्र नहीं करेंगे हम करेंगे अपने स्टाइल का धूम्रपानम शतगोदानम एक, एक कश गंगा स्नानम देखो वो भी अग्निहोत्र और क्या आगे तो लगा लिए। और एक बार ऐसा कुछ हुआ कि पीछे से कोई कार आई या कुछ आई और थोड़ा उनको धक्का लगा और गिर गए वो उसके पश्चात उनको दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने कहा नहीं आपको वहम हो गया अरे वहम क्या होगा उनको परेशानी हो रही है नहीं नहीं सब ठीक है ठीक है उनकी इकलौती लड़की और फिर वो उनके नीचे के दोनों पैर पैरलाइज हो गए ऐसे क्रॉस हो गए अब पड़े रहे घर में और फिर उनके देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी थी वो सब साफ सफाई करती वही पड़े रहते थे, तो वही उनका सब होता था जब मुझे पता चला तो मैं उस शहर में जब गया तो उनको मिलने गया तो जैसे मैंने देखा उनको ऐसे रोने लग गए फूट फूट करके स्वामी जी मुझे आपके कन्हैया से मिलाओ मैंने जिंदगी भर कभी भी उसके प्रति आदर से नहीं देखा आप मुझे उनका मंत्र दे दो अब मैं कहाँ हवन करूँ कौन से मंत्र से क्या होने वाला है ओम भूर्भु स्वात कुछ नहीं हुआ आज तक देखो संतो एक आधार चाहिए जब तक के हम अपने आप को शरीर स्वीकार करते हैं तब तक के एक रूप का रंग का और नाम का आधार होना जरूरी है नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं जगत किसको कहते हैं जगत है नाम रूप यही जगत है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्द्वयम तो ये नाम रूप यही जगत है जब तक के नाम और रूप है तभी तक जगत है और नाम रूप का आधार क्या है हमारा मन और मन नाम रूप का कैसे आधार है हमारा मन जब देह के आकार को धारण करता है तब यही आकारात्मक दृष्टि का निर्माण हो जाता है मन ही जब स्थूल हो गया तब उसको शब्द कहा जाता है स्थूल शब्द को स्थूल मन को वैखरी वाणी कहते हैं और अव्यक्त मन को मध्यमा वाणी कहते हैं और जो उससे भी सूक्ष्म है मन उसको कहते हैं वाणी और जो परावाणी है वही शुद्ध मन केवल परमात्मा स्वरूप है इसीलिए जग दुनिया माने केवल दो बातें नाम और रूप इसीलिए तो पूरी दुनिया में यही तो धंधा चल रहा है मेरा नाम अमर हो जाए मेरा रूप अमर हो जाए फिर हर जगह में अपने फोटो बना करके या अपने स्टैचू बना करके उसी को अपने ही को माला पहनानी है कितने आकर के चले गए देखो संतो इसीलिए जब तक के हमने अपने आप को नाम रूप माना है तब तक के भगवान की उपासना सगुण साकार से ही फलप्रद होगी और इस उपासना से सबसे बढ़िया बात होती है बात यह है अब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता देखो नॉर्मली हम मन को लेकर के कंप्लेन करते हैं महाराज जी जब भी हम ध्यान को बैठते हैं मन बहुत भटकता है क्या करे ध्यान मत करो नहीं हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान करो करो लेकिन मन भटकता है तो क्या करे मत करो ध्यान असिधी बात है आपको क्या चाहिए यदि आप चाहते हो मन परेशान न करे तो क्यों उसको परेशान करने के लिए लगाते हो देखो महाराज हर चीज का एक गणित होता है पहले इस मन को डिसिप्लिन करना पड़ता है सुबह कितने बजे उठेंगे कितने बजे सोएंगे क्या खाएंगे कौन से टीवी के शो देखेंगे ये सब डिसिप्लिन करनी है देखो हमको तो जब तक के अखबार नहीं पढ़ेंगे तब तक के पीछे का गेट खुलता ही नहीं कितनी उसमें हमारी आसक्ति हो गई है अपने पर एक्सपेरिमेंट करते रहो महाराज भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट समझो आपको कचौरी अच्छी लगती है समझो क्या लगती है <laughs> जयपुर का आदमी हो कचौरी अच्छी ना लगे जयपुर कोटा तो अच्छी लगती है खूब अच्छी लगती है लोग भी खिलाते हैं आप अपने आप में नियम ले लो एक साल तक कचौरी नहीं खाएंगे ये बहुत लंबा हो गया एक दिन तक चलेगा <laughs> ट्राई करके देखो तो आपको यह पता चलेगा बिना कचोरी के आप जिंदा रहते हो ये जो उपवास कहते हैं ना उपवास या व्रत इसका यही तात्पर्य है व्रत माने अपने पर एक्सपेरिमेंट करना व्रतों के द्वारा दो चीजों का निर्माण होना चाहिए एक हमको जो जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन है उस परावलंबन से मुक्ति चाहिए परावलंबन से छुट्टी चाहिए हम वहीं फंसे हैं। जैसे चातुर्मास में हम लोग ये प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते तो वो एक्सपेरिमेंट है कि चार महीने आपने नहीं खाया तो आप मरे नहीं ना फिर उसके पीछे इतना पागल क्यों होना हो हम खाने को मना नहीं कर रहे लेकिन उसके कारण परेशान जो होते वो नहीं होना देखो तो फिर हम क्या करते हैं जैसे चातुर्मास पूरा हो गया पहला ही चाय चाय में सब डालो लसन डालो प्याज डालो क्योंकि चार महीने नहीं खाया था देखो ये जो बदले की भावना है ना वो नहीं होती एकादशी क्या है द्वादशी के लिए एकादशी करते हैं लोग दशमी के दिन इतना खा लेंगे कि एकादशी को भूख ना लगे और फिर एकादशी को नहीं खाया था इसलिए द्वादशी को डबल खाए देखो महाराज ये उपवास नहीं अपने में जगत के वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन का त्याग कर दे पहली उपवास की जो पद्धति ये है दूसरी बात हम में आत्मविश्वास की कमी है मुझे नहीं लगता मैं कर पा क्यों नहीं कर पाएंगे एनी बडी कैन डू इट इसके लिए कोई बाहर का क्वालिफिकेशन नहीं आपका दृढ़ संकल्प चाहिए साधुरेवस् मंतव्य हम सम्यको ही सा जिसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि दिस मच नॉट फर्दर संभव है ये दो बातों को करना उसको कहते उपवास उसको छोड़ दिया और इसी में फंसे रहते हैं इसीलिए पहले अपने मन पर नियंत्रण लाने का अभ्यास करें उसके पश्चात फिर मन को प्रॉपर गाइड करने का अभ्यास करें उसके लिए बताते हैं भगवान के नाम की साधना या हाथ में माला लेकर के जब क्या करो उससे ध्यान से सुनना बहुत सूक्ष्म बात है हाथ में माला यह वस्तु हो गई माला घूम रही है ये क्रिया हो गई और हम मन से भगवान का नाम ले रहे हैं वो ज्ञान हो गया तीन बातें हो गई ना अब ये तीनों बातों में एक ही वस्तु हो देखो तीनों में एक ही बात तो हमने हाथ में माला ली और माला लेने के पश्चात अब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया श्री राम जय राम जय जय राम माला का मणि अपनी तरफ खींचा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इसका नित्य निरंतर शांति से अभ्यास करें हम लोग जब करते हैं मानो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे सभी के सभी भगवान कंफ्यूज हो गए यार किसको बुला रहा है समझ में नहीं आ रहा भगवान का नाम आयुर्वेदिक दवाई के जैसे नहीं लेते भगवान का नाम लेते जैसे हम चॉकलेट खाते हैं चॉकलेट कैसे खाते मुंह में डाल दिया एकदम निगल थोड़ी लेते हैं उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया यहां अभी, और धीरे धीरे उसका रस लेते हैं इसी प्रकार से भगवान के नाम का जब रस आने लग जाता है ना तब आपका मन दुनिया के विषयों में नहीं भटकेगा देखो ये नहीं करते और फिर एक अम्मा ने मुझे कहा हमारे गुरु महाराज ने हमको बचपन में ही मंत्र दिया था समझ में नहीं आता हम कर रहे कुछ नहीं हुआ आज तक किसको? गुरु महाराज को <laughs> कुछ नहीं हुआ नहीं 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 मुझे आप मंत्र दे दो अच्छा मंत्र देना जरा पक्का तो मैंने कहा ठीक है शुरू हो जाओ क्या धूम धड़ा का धड़ाका धड़ा का क्या अच्छा मंत्र है तो जैसे जैसे हमने अपने मन को नियंत्रित किया तो समझो मन विक्षेपित हो गया जैसे हाथ में आपके माला आ गई तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आपका मन प्रभु का नाम लेने लगेगा अपने आप हो जाता है क्योंकि हमने वैसा सेटिंग बना दिया है हाथ में माला आई राम नाम शुरू हो गया अच्छा उसके पश्चात फिर इस मन पर कार्य करना है इसको ध्यान में रख करके फिर जब करना पहले दुनिया से बचने के लिए जब कर रहे मालाएं पूरी करो फिर अब दुनिया से चक्कर नहीं है अब मन को नियंत्रित करना है फिर अब ये जो माला है इसके चक्कर में न पड़ करके अब एक एक दो दो बार करे और दो तीन बार भगवान का नाम ले तो बीच में दूसरा विचार प्रवेश ना करे उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मानो हम भगवान के नाम का रस ले रहे अब माला पूरी नहीं करनी नॉट हाउ मेनी टाइम्स वी चैंट बट हाउ लॉन्ग अवर माइंड इज इन ट्यून विद द डिवाइन वो महत्व की बात है और ऐसा करते करते मन में जो वृत्तियों की फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी को कम करना है तीन बातें होती हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स, सेकेंड इज डायरेक्शन ऑफ थॉट्स एंड थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो पहले मन के विचारों की फ्रीक्वेंसी कम करनी है अभी हमारी क्या स्थिति है हमारे मन में एक सेकंड में एक हजार विचार आते धड़ा से पहले उसको कम करो फिर उसकी डायरेक्शन बदलनी है दुनिया भर के दु, विषय को ले लिया एक विषय ले लिया भगवान को पकड़ लिया उसी के प्रति सब विचार जा रहे और क्वालिटी दुनिया की नहीं प्रभु के स्मरण की क्वालिटी ऐसा करने से धीरे धीरे मन अब नियंत्रण में आने लगा है और इसके भी आगे जब चला जाता है आदमी इस मंत्र की साधना से तब शब्द आते हैं जाते हैं शांति जो है वो निर्मित नहीं है वो ना आती है न जाती है जैसे आकाश वैसे के वैसे ही है उसमें आकार प्रकट होते हैं और नष्ट होते हैं आकार का ना अपना कोई आकार है ना विकार है ना प्रकार है ना संस्कार है इसी प्रकार से हमारे मन पर कोई भी आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है धीरे धीरे हमारा मन इन सभी शब्दों के परे चले जाएगा शांति में बैठेगा ध्यान से सुनना सिनेमा खत्म नहीं अभी फिर आदमी शांति में फंस जाता है शांत रहो कितना अच्छा लगता है यहां कितनी शांति मशान में चले जाओ बहुत अच्छी शांति मिलेगी ये जो शांति है ये अशांति का विरोधी है हमारा जो स्वरूप है वो किसी का विरोधी नहीं है जो निर्विरोध सत्ता है वो परमात्मा है फिर चाहे शब्द रहे चाहे शांति रहे दोनों में जो समान है वही प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया है देखो इसीलिए जो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी अपने आप के संतुलन को बना के रखता है उसी को परमात्मा मिल गए है कल बताया था हमने आपको जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान जीवन में आने वाले द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन का संतुलन नष्ट नहीं होता और मान अपमान के द्वारा जिसके मन की शांति में कोई खरोच नहीं आती उसको परमात्मा मिल चुके हैं और जिसको प्रभु का इस प्रकार से दर्शन हो गया है वह जो ज्ञानी भक्त है भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में उदारा सर्व वैते ज्ञानी तू आत्मे मतम सभी अच्छे आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी लेकिन अल्टीमेटली ज्ञानी मेरा ही आत्मा है माने मैं और परमात्मा भिन्न नहीं है इस अनुभूति में निष्ठा हो करके उसके माध्यम से प्रभु ही प्रकट होते हैं जिसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं उसको कहते हैं महात्मा जिसके माध्यम से प्रभु नहीं प्रकट होते उसको कहते हैं सीए आत्मा हम लोग सीए आत्मा है देखो संतो तो अव्यक्ता ही गति और दुखम देह वीर वाप्यते इसीलिए पहले अपने आप को लायक बनावे और लायकी यही है केवल दो बातें करनी है संतो अध्यात्म में केवल दो बातें पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति इसमें आपको ऑप्शन नहीं और दूसरी बात जीवात्मा भाव के भ्रांति का त्याग हम लोगों के दिमाग में ऐसा ठोक ठोक के भर के रखा है कर्म में योग में और भक्ति में पापो हम पाप कर्मा हम क्यों हम पापी है देखो तो हम हर देह में अलग अलग जीव नहीं होते हैं एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है देखो अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है संतो तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवि आप्यते हैं अब आगे कहते हैं छठे श्लोक में ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्या मतपरा अन्य नोगे न्याय माम उपासते तू सर्वाणी कर्माणी मई संनस मत पराहा जिन्होंने मतलब अपने जीवन के सभी के सभी कर्म मेरे लिए किए हैं कर्माणी संस का मतलब ये नहीं कि बाबा जी बन गए अपने जीवन के सभी के सभी कर्म परमात्मा के लिए करे अब ध्यान से सुनना इसका अर्थ क्या है जब हम भगवान की पूजा पोथी करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार से हमारी क्रिया होती है पहले भगवान को नहलाएंगे तो बाथरूम का पानी ले आएंगे उनके लिए अलग जल होगा उनके लिए बर्तन अलग गए फिर उनको साफ करेंगे तो जिससे कपड़े से पोछा माला था ज़मीन पर उसी से नहीं साफ करेंगे उसको किसी अन्य काम के लिए लाएंगे नहीं फिर भगवान को जो भोग चढ़ाएंगे बेटा कल की जो थी ना फ्रिज में बच्चों ने छोड़ी थी एक सैंडविच लिया भगवान को भोग लगाते नहीं भगवान के लिए जो काम किया जाता है वो पवित्रता से और आदर से किया जाता है ये दो चीजें तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञार्था कर्मणोन लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन तेज मुक्त संग समाचार भगवान की भक्ति करना माने अपने जीवन के हरे कार्यकलाप में परफेक्शन आना है समाचार सम्यक आचर ऐसे नहीं है भगत हो गए माने ऐसे एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इट इज मोर ऑफ ए शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग देखो महाराज भगत होना माने एबनॉर्मल होना नहीं है समाचार भगवान कहते हैं बी परफेक्ट इन व्हाट एवर यू डू देखो जिसके जीवन में परफेक्शन का आनंद आता है ना उसी को ये पता चलता है हम लोगों की परेशानी यही है आज करे सो कल कर कल करे सो परसो परसो भी क्या कहना अरे जीना है बरसो इसको ट्राई करके देखो जिस दिन का काम उसी दिन पूरा कर लो आप शाम को आपके घर में ऐसे होता होगा मेरी कल्पना है ये शाम को खाना पीना हो जाता है और फिर जितने भी झूठे बर्तन हैं वहां ऐसे पड़े रहते हैं जैसे युद्ध खत्म हो गया है और सब लाशें पड़ी हुई है क्या काम वाली नहीं आए अरे आपके हाथ टूट गए हैं क्या घर को बिल्कुल कैसा साफ सुथरा रखे ना तो उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है जूते चारों तरफ पड़े हुए अरे राम 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 देखो नींद से उठेंगे अपने बिस्तर को कभी नहीं करेंगे जब तक तो काम करने वाले आएगी अरे एक साधना यही है कम से कम साध आ, सेवा लेनी चाहिए दुनिया से कम से कम अपना काम स्वयं करो ना देखो मुक्त संगत समाचार इसीलिए भगवान कहते यहां ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यास्य तो हम जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं देखो नहा रहे हैं ताकि फ्रेश होकर के प्रभु का नाम ले कपड़े अच्छे पहन करके मंदिर में जा रहे प्रभु देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा देखो जो भी कर रहे उसमें प्रभु को लगाओ सर्वाणी कर्माणी खाना खा रहे बड़े चाव से खाओ ताकि स्वास्थ्य बना रहे और हृदय में और हमारे सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निविष्ट हृदय में बैठे हुए कन्हैया लाल खुश हो जाएंगे जिस दिन हरे कर्म के साथ हमने प्रभु को जोड़ लिया उसी को कहते हैं भक्ति योग वही उपासना है तो ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य क्योंकि मत पराहा उनके लिए मैं ही सब कुछ हूं हम लोगों की स्थिति कैसी है हम नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की लेकिन समर्पण होता है बीबी बच्चों के लिए इनके लिए जो हम कर रहे प्रभु के लिए समर्पण उन्हीं के लिए है दूसरा कोई नहीं तो ये तो सर्वाणी कर्माण मई सन्न मत और अनन्य नहीं वह योगे ना अब ये दूसरी महत्व की बात अनन्य योग का तात्पर्य है अन्य माने हमसे दूसरा तो पहले द्वैत की भक्ति होती है लेकिन जब तक आप सूक्ष्मता में नहीं पहुंचोगे तब तक बाहर ही ढूंढते रहोगे और जैसे ही सूक्ष्मता बढ़ती है आप देखो ना जब मंदिर में जाते हैं तो अपने आप अपनी आंखें बंद हो जाती है हाथ जुड़ जाते हैं गर्दन झुक जाती है क्योंकि सबको पता है कन्हैयालाल अपने हृदय में है अब इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते ट्राई करो यदि हमको ये याद रहे और हमने स्वीकार किया कि प्रभु हमारे हृदय में है मानना ही तो है जाना तो कुछ नहीं आज तक मैं शरीर हूं यह माना ही तो है मैं गुजराती हूं मैं मराठी हूं माना ही तो है जाना क्या है एक छोटा सा लड़का हमारे साथ नाश्ते में बैठा था तो मैंने कहा अरे गुज्जू क्या नाम है तुम्हारा स्वामी जी आई एम नॉट ए गुज्जू अच्छा फिर तुम क्या हो मैं, मैं लोहाना कच्छी हूं तो मैंने बोला तुमको कच्छी बांधनी आती है क्या बोले नहीं मम्मी बांध के देती है लेकिन मैं हूं कच्ची अच्छा लोहाना क्या होता है मुझे नहीं मालूम फिर तुम कौन हो लोहाना कच्छी लो इसी प्रकार से हमने मानना ही तो है तो ऐसा मान लो ना हमारे हृदय में प्रभु है तो जो हम करते हैं करने के पहले वो जान लेते हैं बोलने के पहले वो सुन लेते हैं सोचने के पहले उनको पता चलता है इसका यदि आप सावधानी से ध्यान रखें तो गलत क्रिया गलत शब्द और गलत विचार आपके द्वारा प्रकट हो ही नहीं सकते अनन्या नहीं व योग्य न उसको दूर मत रखना हृदय में है उनके ही शब्द है सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टा हम कह तुम बाहर ही रहो दूर रहो नजदीक मत आना देखो और कई घरों में हमने देखा है उस भगवान को आठ आठ दिन नहाने को नहीं मिलता बिचारे नहाने की गोलियां खा करके जी लेते और कई जगह में जो होती है पूजा पोथी नौ दस ग्यारह बारह बजे तक के कुछ होता है नहीं क्योंकि नहीं बाबूजी जरा वॉक करने गए थे नहीं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अब उनका कुछ नहीं हुआ और फिर ग्यारह बारह बजे भगवान की पूजा पूजा होती है तब तक के सभी भगवान बैठे और यार बाथरूम भी नहीं गया सुबह से भगवान के विग्रह को जड़ विग्रह ना समझे वो चैतन्य विग्रह होते हैं देखो जिस दिन आप अपने विग्रह को चैतन्य विग्रह के रूप में स्वीकार करोगे आपका उनके प्रति जो भाव है वो एकदम बदल जाता है देखो तो अनन्या व योगे ना माम ध्यान उपास इस प्रकार से मेरा ही ध्यान करके जो उपासना करते हैं वही मेरे भक्त है ये है भक्ति की साधना अच्छा ऐसा जो मेरा भक्त है कि उसके पूरे कार्यकलाप में केवल परमात्मा का ही प्राधान्य है अन्य किसी का नहीं तो कहते हैं तेशाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरार भवामी नचिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम यहां हम आपको एक भिन्न प्रकार की बात बताएंगे मृत्यु संसार सागरात मृत्यु से मुक्त होना है ध्यान से सुनना ये हम आपको जो बता रहे आपके अभी तक तो जितना समझाया सब पर पानी फिरे जाएगा मृत्यु से मुक्ति का तात्पर्य मृत्यु असंभव है इस ज्ञान में निष्ठा आज तक कोई भी नहीं मरा आज तक किसी को भी मृत्यु का अनुभव नहीं है आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ सनत सुजातीय एक ग्रंथ है महाभारत में आता है उसमें सनत कुमार जी धृतराष्ट्र जी को उपदेश देते हैं और वहां बताते हैं मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है इस समझदारी से जीने को कहते हैं मृत्यु के परे चले जाना अब इसको चिंतन से करो देह क्या है कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने पंच पंचमहा को इकट्ठा कर लिया देह बन गया मर गया देह माने क्या ये पंच महाभुद जहां से लिए थे उधार वापस कर दिए देखो लोन लिया लोन वापस कर दिया तो क्या उपकार किया कि देखो तो देह भी भूतों को इकट्ठा किया वो वापस चले गए तो कौन मरा कोई नहीं मरा दूसरी बात अपने को जीव मान लियो आप तो पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म जन्म किसका हुआ था देह का हुआ था हमारा कभी जन्म नहीं होता द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस देखो संतो जैसे बचपन का देह पता नहीं कहाँ चला गया जवानी का देह पता नहीं कहाँ चला गया मध्यम वहीन देह पता नहीं कहां चला गया कभी उसको लेकर के हमने पुलिस में कंप्लेन करी है क्या ये बूढ़ा पे का देह पहले देह जहा गए वही यही चला जाएगा कहा गए हो तो जाएगा ना देखो और ये बल्ब फ्यूज होने के बाद इसमें का लाइट कहाँ गया ढूंढो जिस दिन ये बात गले उतरेगी देखो कैसा जीवन में आनंद आता है मरने भी नहीं देते बिल्कुल नहीं मरने देंगे यही यहां बात कहते हैं मृत्यु संसार सागराल तेषा अहम समुद्रता किसके लिए अन्य नेम व योगे नाम ध्यान जिन्होंने अपने आप को मेरे साथ एक कर लिया है हम यदि मरने की कल्पना करेंगे और भगवान के साथ एक है तो हमने भगवान को मार दिया है तो तात्पर्य क्या है यही तात्पर्य है कि मृत्यु नाम की वस्तु नहीं इसीलिए यदि हम धर्म का पालन कर रहे हैं पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म प्रारंभ कर्म तब भी व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए हमारे यहां मृत्यु का इतना भय है अब देखो जो बताते तात्पर्य निर्णय हमको नहीं हो रहा ना इसी का यही चक्कर है जैसे हमने आपको बताया था कल कि सावित्री ने यमराज को वापस लौटा दिया पति को वापस ले आई मरने के बाद अब तात्पर्य निर्णय करो पत्नी पति व्रता होगी तो मौत को भी हरा सकती है लेकिन हम लोग उल्टी तात्पर्य निर्णय करते हैं देखो आप मौत से तो बच सकते हो पत्नी से नहीं बच सकते तात्पर्य निर्णय है और क्या है इसी प्रकार से जब बताया पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म किसका जन्म हुआ था हम तो वही है ना जैसे आप यहां आ, कौन सा जगह है जयपुर जयपुर में आने के पहले हम इंदौर में थे फिर इंदौर में आने के पहले हम बंबई में थे बंबई के पहले हम लोनावाला में थे हम तो वही है ना हम कहा मरे ध्यान से सुनना हमारे लिए बचपन मर गया हम जो त्यो है हमारे लिए जवानी मर गई हम जो त्यो है हमारे लिए मिडिल एज मर गया हम जो त्यो है हमारे लिए बुढ़ापा मर जाएगा हम जो त्यों है धीर स्तत्व नमुयती जो धीर पुरुष है ये इस मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है ये इसका तात्पर्य तेष्याुद्धरता मृत्यु संसार सागरात ये समझने के स्थान पर आप देखो अपनी गीता प्रेस की जो बड़ी पुस्तक है ना उसमें बढ़िया कलरफुल चित्र बनाया है एक समुन्द्र दिखाया है उधर से भगवान आए नाव में बैठ करके और दो चार लोग पानी में डूब रहे हैं काम क्रोध लोभ उसको काट रहे हैं और उसको एक जो है भगवान की माला लेता है उसको हाथ से देकर उठाते बाकी तू वहीं रहो तू वहीं रहो अरे राम ऐसे कोई भगवान होते तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत का तात्पर्य है अपने मन से ये मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाए यही तात्पर्य है तो देह मानो तो नहीं मरते जीव मानो तो नहीं मरते परमात्मा तो को मरने का सवाल ही नहीं तो आप अपने कुछ भी मान लो हम मरने नहीं देंगे आपको देखो संतो ये बात तभी स्वीकृत हो सकती है जब हमने इसको स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार रखा है नहीं वो तो सब ठीक है लेकिन जहां लेकिन आया सब सत्यानाश हो गया और फिर बुढ़ापे भी एक बुढ़ाओ ने हमको प्रश्न पूछा स्वामी तो जी मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है आप बाहर मत जाया करो मुंबई में रहा करो ठीक है एक दो सिद्धांत हम बताएंगे बुढ़ाऊ के साथ व्यवहार करने के सिद्धांत पहला उनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए वो जो भी कहते बिना सुने हां कह दो वो भूल जाते किसके लिए हां कहा था आप शांत हो जाओ डिस्कस करोगे तो फंस जाओगे उसमें तो मैंने हां कह दिया फिर बोले मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मरने के बाद हमने कहा एक एक ले लो ना सबका इकट्ठा तो मैं भूल जाऊंगा ना एक एक मरने की बात है ना डर मरने का लग रहा है ना मैं गारंटी देता हूं आप मरोगे दूसरी बात देखो नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरा बिजनेस मेरी प्रॉपर्टी उसका क्या होगा ना मुझे क्यों मुझे उनको पूछो वो बताएंगे भाव जी हम वेट कर रहे जाओ ना <laughs> हमको ही लगता है कि हमारी बड़ी आवश्यकता है दुनिया में महाराज जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी जब निकल जा तो कोई कमी नहीं होगी तो अभी है तो कौन सा फर्क पड़ा <laughs> देखो लेकिन कुन्दृश हो मया मेरे जैसा कोर मैं ये करता मैं वो करता हूं देखो इस ज्ञान के साथ ही हृदय में मस्ती पैदा होती है तब व्यक्ति मस्त रहता है तो तेषा महम समुद्धरता ऐसे जो समझदार है उनका मैं उद्धार कर समुद्धरता हरता हरता माने में उनको उनका इस द्वैत के दुर्गंध से मैं उनको ऊपर उठाता हूं और यही है संसार सागर संसार का तात्पर्य संसारती जो हमेशा परिवर्तनशील है यदि चिंतन करें तो पता चलेगा सभी परिवर्तनों की सिद्धि अपरिवर्तनीय तत्व के संबंध से ही हो सकती है देखो यदि आप दो कारों में जा रहे हो दोनों कार एक दूसरे को पैरेलल है एक ही दिशा में एक ही स्पीड से जा रही है तो दोनों कारें चल रही है ये अनुभव नहीं आएगा और एक कार में आप बैठे हो और आपका ध्यान रास्ते पर है तो दिखेगा रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ रहा है तो जहां गति है वहां संसार है जहां गति नहीं है वहां परमात्मा है ध्यान से सुनना चैतन्य में गति को मन कहते हैं और गति निर्माण होती है जब क्रम की निष्पत्ति होती है वेन सिक्वेंस इज एस्टैब्लिश टाइम इज बॉर्न देखो गहरी नींद में प्रवेश किया एक घटना हो गई फिर कोई घटना हुई नहीं और फिर उठे देखा कितने बजे ओ गॉड मैं छह घंटे सोया था तो घंटे में आपको टाइम का भान कहाँ था क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं एस्टैब्लिश हुआ अभी कैसा है सुबह हो गई फिर ब्रेकफास्ट किया फिर लंच किया फिर दोपहर को काम किया फिर शाम को चाय पिया फिर शाम को डिनर किया एक के बाद एक सीक्वेंस टाइम इज बॉर्न गति इज क्रिएटेड और ध्यान से सुनना हम सबको मालूम है ये लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं आप कैसे जैसे लोग पूछते हैं ना स्वामी जी हम ध्यान के लिए बैठे बैठते तो मन में बहुत विचार आते माने क्या गतिमान मन हो जाता है तो होने दो तो ना नहीं 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 ध्यान माने मन में विचार नहीं आने चाहिए माने गति को रोकना चाहिए महाराज गति सिद्धि किसके कारण होती है जो गति रहित है उसके कारण देखो जब तक के आप कार में बैठे रहोगे कार चलती रहेगी तब तक के आपको रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ते नजर आएगा वो संसार है और यदि इस रास्ते का उल्टी दिशा में दौड़ना बंद करना हो तो चलती गाड़ी से कूद पड़ो अपने आप रास्ते का उल्टी दिशा में दौड़ना बंद हो जाएगा इसी प्रकार से जब तक के ये देह रूपी गाड़ी चल रही है तभी तब ये जगह सत्यमान हम स्वीकार करते हैं जहां देह से उतर गए गहरी लींद में उस समय हम कहा है क्या है कब है कैसे है कुछ भी नहीं केवल है मात्र यह जो गति से मुक्ति है यही अपना स्वरूप है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर तो ये संसार है और इसको यदि आप जैसे है वैसे स्वीकार करो तो परेशानी नहीं है हम क्या चाहते हैं कि हम बूढ़े ना होवे अब आपने आपको देह मानना कोई बुरी बात नहीं लेकिन बूढ़े होने के लिए तैयार हो जाओ नहीं देहा के रूप में तो हम रहना चाहते बूढ़े नहीं होना चाहते फिर क्या करें फिर गए मेकअप करने के लिए क्योंकि ब्रेकअप को ढकना है और फिर गर्दन के ऊपर में 16 साल नीचे 80 साल देखो महाराज कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहे मृत्यु संसार सागरात और भवामी नचिरात पार्थ और ये जो बातें हमने बताई है नचिरात एक क्षण में सब हो जाता है धीरे धीरे नहीं होता देखो केवल इतना ही करना है अपने आप को देहात्म भाव से मुक्त करो और अपने आप को पापो हम पाप कर्मा हम ये जीव भाव की भ्रांति का त्याग कर दो देखो अनंत में केवल कल्पना से ही अंश निर्माण हो सकते हैं अनंत की डिवीजन नहीं होती इन्फिनिट कैनॉट बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड और एडेड विथ और सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम अनंत में कुछ संभव नहीं है कल्पना कर सकते हो आप पहले अपने एक रुपए के चौसठ पैसे हुआ करते थे एक डब्बू पैसा था और एक छेद वाला पैसा था अब उसी एक रुपए के सौ पैसे हो गए कल्पना ही तो है कल्पना कर सकते हैं। आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं कैसी कल्पना करते सूर्य और पृथ्वी इनका रिश्ता निर्माण करता है पूर्व दिशा को और पूर्व दिशा का निर्माण किया अपने उपाधि के कारण फिर उसके अपोजिट पश्चिम हो गई उत्तर दक्षिण हो गई चार कोने बन गए ऊपर नीचे दस दिशाओं का निर्माण इस अखंड आकाश में केवल कल्पित है वास्तविक नहीं है भगवान जब कहते हैं ममई वंशो जीवलो के जीवभूत सनातना उनका यही तात्पर्य कहने का कि मैं ही सब में प्रकट हो रहा हूं जैसे एक ही आदमी पुत्र में भी प्रकट होता है पति में भी प्रकट होता है और पिता में भी प्रकट होता है तो वो तीन नहीं बना वो एक ही है तो आदमी हो गया ब्रह्म परमात्मा और पति हो गया जीवात्मा अब डायवर्स होने के बाद वो जीवात्मा पति मर गया क्या मरा नहीं तो भी दिखाओ कहा है वो तो जैसे आदमी में पति वैसे परमात्मा में जीव देखो और पति क्या है सामान्य नाम है कि विशेष नाम है इट इज ए कॉमन नाउन और ए प्रॉपर नाउन इसे कॉमन नाउन कॉमन नाउन माने सभी पति दुखी होते हैं विशेष क्या है इसमें एकाद हाँ पति दुखी हो तो वो विशेष नाम हो गया तो जो सबके लिए समस्या है वो किसी के लिए समस्या नहीं देखो लेकिन हमने अपने आप को पति यह उपाधि दे करके विशेष बना लिया है और विशेषता के कारण ही संसार शुरू हो जाता है इसीलिए संतो अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी है अपनी सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष रहो ना और ये निर्विशेषता ही हम रहते हैं गहरी नींद में उस समय हम पति नहीं पत्नी नहीं भाई नहीं बाप नहीं कुछ भी नहीं यहां तक के मनुष्य नहीं पशु नहीं पक्षी नहीं केवल हम होते हैं यह जो निर्विशेष सत्ता है यही अपना स्वरूप है उपाधि के कारण जैसे एक आदमी के तीन बन गए थे पुत्र पति और पिता उसी प्रकार से उपाधि के कारण जीव जगत ईश्वर यह भ्रांति निर्माण हो गई उपाधियों का त्याग कर दे तो हम एकमात्र है इसीलिए भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम तो जिनका मन मुझ में अब समाप्त तो हो गया है लहर जब समुद्र को नमस्कार करेगी तो वो अलग से नहीं रह सकती समुद्र लहर बन सकता है लहर समुद्र नहीं बन सकती परमात्मा जीवात्मा का रोल कर सकता है जीवात्मा परमात्मा नहीं बनता कारण वो परमात्मा ऑलरेडी है आदमी पति बन सकता है पति आदमी नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी आदमी है बनना थोड़ी है बनावटी पति है असली आदमी है देखो यहां की जो है ना क्या कहते हैं वो इमिटेशन ज्वेलरी ये जो पति है ना ये इमिटेशन ज्वेलरी है असली क्या है गोल्ड वो आदमी है देखो जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की तब इसके अर्थ निकलते हैं है। मई आवेशित चेतसा तो जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसको ना मरने का डर है ना पैदा होकर के कुछ करना है देखो ऐसे ही संत महात्मा इस जगत का उद्धार करते हैं जिनके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं तो हमको साधना क्या करनी है यही साधना करनी है उसको हमारे माध्यम से प्रकट होने दो और भगवान का प्रकटीकरण क्या होगा तीन प्रकार से हम जिएंगे दूसरे को जीने देंगे हम धोखा नहीं खाएंगे दूसरे को धोखा नहीं देंगे हम मौज में रहेंगे दूसरे को फौज में नहीं भेजेंगे देखो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिश्शान्तिशान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ